3 साल मोदी सरकार, 3 साल के इस खास सफर में हमारे खास मेहमान राव इंद्रजीत सिंह बने हुए हैं। बातचीत का सिलसिला जारी है। राव साहब, बात करें आपके संसदीय क्षेत्र गुड़गांव की, जो अब गुरुग्राम बन गया है, लेकिन जुर्म कम नहीं हुए हैं। जुर्म की नगरी दिखाई देती है, राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। एक के बाद एक कई वारदात यहाँ पर दिखाई दी हैं। साइबर सिटी है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कानून व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार की सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं आज के दौर में। देखिए, ये कानून व्यवस्था का जो मसला है वो राज्य सरकार के अधीन होता है। उसके बारे में मैं टिप्पणी करूं बिना जानकारी पूरी लिए हुए तो मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूं कि जहां पर धन होता है वहां पर लोग आकर्षित हो जाते हैं। जिस तरह से शहद के करीब करीब मक्खियाँ बनाती हैं, इसी तरह से गुड़गांव के आसपास पैसे खरीदने वाले, बेचने वाले, लेने वाले सब पहुंच जाते हैं। और जब पैसे का लेन देन होता है तो फिर मारधाड़ भी होती है। तो गुड़गांव एक ऐसी जगह बन गई है जहां पे प्रॉपर्टीज़ का सबसे अधिक भाव हरियाणा के अंदर है, इसके अंदर कोई शक की बात नहीं। और जो कानून व्यवस्था का आप जिक्र कर रहे हैं वो इसी चीज़ का परिणाम है कि सबसे स्वस्थ और मालदार शहर आज के दिन गुड़गांव है। उसको काबू रखने के लिए हरियाणा सरकार प्रयास कर रही होगी, मुझे इस चीज़ का तो अंदाज़ा है कि थोड़ा बहुत प्रयास तो बात होती रहती होगी। भाई, सुरक्षा व्यवस्था मेरे संसदीय इलाके में बदहाल हालत, और दिल्ली में हम देखते हैं जब कानून की चर्चा होती है। नहीं, वो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अब जैसे यूपी के अंदर देखो किस तरह से रेप्स हुए हैं, मतलब सड़क पर से उतार करके एक आदमी को गोली मार दी, उसके कुनबे के साथ रेप किया। दिल्ली में हुए थे, उसको अभी सज़ा मिली है थोड़े दिन पहले ही। किस तरह से बेदर्दी से निर्भया को रेप किया गया था, ये सारी चीज़ें सिर्फ गुड़गांव तक सीमित नहीं है, इट इज़ पैन इंडिया, सारे एरिया के अंदर होती हैं। गुड़गांव के अंदर भी हैं लेकिन गुड़गांव के अंदर सबसे अव्वल नहीं है। ये आप समझिए कि गुड़गांव क्राइम ग्राफ के अंदर नोएडा से काफ़ी नीचे है। अच्छा राव साहब, जो सियासत का जो दौर है हरियाणा में ख़ास तौर से, और जिस तरीके से वहाँ पर जो जाट आरक्षण विवाद रहा और उसके बाद जो ध्रुव बनते दिखे हैं, ख़ास तौर से नॉन जाट पॉलिटिक्स की बात हो, जाट पॉलिटिक्स की बात हो, आपको लगता है ऐसे दौर में जो नॉन जाट पॉलिटिक्स है उसको एक बड़े मैसेज देने की ज़रूरत है? और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जिस तरीके से बयानबाजी हुई, एक पहल शुरू की गई राजकुमार सैनी की ओर से, और अगर आप अपनी उसमें भूमिका देखें तो एक मैसेज क्या राज्य को देना चाहेंगे, क्योंकि आपने भी अपनी सियासत का जो पहलू रखा है वो नॉन जॉट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ रखा है, और एक मैसेज देते रहे हैं आप राज्य की सियासत में लगातार, वो चाहे बयानबाजी की बात हो या फिर अपने काम के क्षेत्र में काम का जो विकास का एजेंडा आप लेकर चलते हैं, फोकस करते हैं? देखिए, मैंने जाट के विपरीत या उसके ख़िलाफ़ कोई बयान अभी तक तो नहीं दिए, मेरे को तो बताइए अगर कोई मैंने दिए हों तो। लेकिन हरियाणा के अंदर जाट की और नॉन जाट की लड़ाई जाट आरक्षण के बाद कुछ ज़्यादा छिड़ गई, दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और सरकार के सामने ये मसला जब आया तो सरकार पूरे तौर के उस पर कंट्रोल नहीं कर पाई, इसके अंदर ही मुझे कहने में कोई एतराज़ नहीं है, और दबाव के अंदर भी आती नज़र आई सरकार। ये मामला दिल्ली दरबार तक पहुंचा, और हरियाणा का ही क्या, गुजरात के अंदर पटेलों की जिस तरह से एजिटेशन हुई, महाराष्ट्र के अंदर मराठे भी चाहते हैं कि भाई किसी सूरत के अंदर हमको भी बैकवर्ड, तो बैकवर्ड ट्रेन के ऊपर सब आज के दिन चढ़ना चाहते हैं। सरकार के सामने चुनौती थी, केंद्र सरकार के सामने भी चुनौती थी, और मैं समझता हूँ कि इस चुनौती के अंदर किसी का पक्ष सरकार ले या ना ले ये उचित बात नहीं थी। जो कोर्ट का फैसला था वो ही माननीय रहना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सरकार ने कमिट कर रखा था कि भाई हम जाटों को आरक्षण देने में कोई एतराज़ नहीं रखते, तो मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा बात बढ़ गई आगे। अगर ये आश्वासन ना दिया होता तो इतना शायद मामला गरम नहीं हो जाता। लेकिन सीएम फिर कौन बनेगा, टोपी वाली बात जो आपने कही है, कहीं फिर कोई नई टोपी आ गई तब? देखो, पार्टी का फैसला होता है, तो अभी तो पार्टी हम अमित भाई कह चुके हैं कि अभी तो फिलहाल चीफ मिनिस्टर को बदलने की कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी निर्णय अपना कभी भी ले सकती है, चेंज भी कर सकती है, सोच भी सकती है, परिस्थिति कैसी है उसके अनुसार अपना मन बना सकती है, ये पार्टी का अख्तियार है। और ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह को वो मौका मिलना चाहिए आपको लगता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को लेकर
आपकी भी अपनी जो सियासी सफ़र रहा है हमने कांग्रेस से देखा है, आप वहाँ रहते हुए भी अनुचित मुद्दों को उठाते रहे हैं, आलोचना करते रहे हैं और यहाँ भी अपनी बात रखते रहे हैं। मैंने दुभाग के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है, आगे भी उठाता रहूँगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के लिए आवाज़ नहीं उठाई। लोग चीफ मिनिस्ट्री यूँ चाहते थे कि हमारे साथ दुभाग होती आई है और उन्होंने सोचा कि अगर हमारे यहाँ से एक बार कोई चीफ मिनिस्टर बन जाए, जब हम इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर MLAs देते हैं, उनकी MLAs की चुनने के बाद कोई हैसियत नहीं रहती, तो चीफ मिनिस्टर की तो हैसियत होगी और हमारे अटके हुए काम 3-4 दशक के अगर हल हो जाएं तो होने की संभावना भी चीफ मिनिस्टर के माध्यम से ही हो सकती है। तो इसलिए ये लोगों ने सोचा कि शायद इंद्रजीत सिंह को पार्टी चीफ मिनिस्टर और ये मौका मिलना चाहिए। इसलिए दक्षिण हरियाणा की बात, भेदभाव की बात आती है, आप सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। SYL नहर इशू को लेकर मैं बात करूंगा। आपने पिछले दिनों राजस्थान से उसके हिस्से के पानी की मांग की, ऐसे वक्त जब पंजाब से पानी की मांग हो रही थी, आपका ये सियासी पैतरा बताया गया? नहीं, सियासी पैतरा नहीं, ये तो हमारे पेट की लड़ाई थी। पानी अगर हमारे को नहीं मिलेगा तो हमारा पेट नहीं भर पाएगा, हमारा अनाज नहीं होएगा, हमारे को पीने का पानी नहीं मिलेगा। और ये 2006 का फैसला अमरिंदर सिंह का असेंबली के अंदर 3 प्रांतों के फैसले को एक तरफाई तौर के ऊपर रद्द करना कानूनन तौर के ऊपर उस बड़ा गलत था, कानून तौर पे सही नहीं ठहराया जा सकता। चाहे आप किसी मुंशी से भी पूछ लो, किसी छोटे से वकील के मुंशी से भी पूछ लो कि 3 पार्टियों का फैसला एक पार्टी रद्द नहीं कर सकती। और ये तो ऐसी बात थी जबकि इंदिरा गांधी उस टाइम की प्रधानमंत्री थी, तो 3 तो चीफ मिनिस्टर्स थे, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर थे माथुर साहब, हरियाणा के थे भजन लाल जी और दरबारा सिंह पंजाब के थे। इन चीफ मिनिस्टर के अलावा इंदिरा गांधी का उसके ऊपर दस्तखत थे। अब तो पुरानी बातों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन नई बात तो ये है ना कि कोर्ट ने आदेश दे दिया और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, अब वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हैं। ये लगता है लोगों को, हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि नहर का काम शुरू हो, नहर बने, केंद्र सरकार इस काम को पूरा कराए, अदालत कह चुकी है। ये देखो, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा पहले कि इसकी भूमिका मैं बांध रहा था कि 10 साल तक कांग्रेस सरकार ने इसके ऊपर कोई मुद्दा नहीं उठ करा। हमने रैलीज करी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी चिट्ठी लिखवाई लोगों से कि इसका फैसला करो। 10 साल तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस एक जगह के ऊपर रहे लटका हुआ, ये आज के दिन हमारे इतिहास के अंदर आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ था। और ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मनोहर भाई खट्टर की सरकार ने सबसे पहला कदम जो किया था वो ये है कि उसके ऊपर सुनवाई करी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट को अर्जी लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दे दिया। अब क्या पोजीशन है, वो ये है कि पंजाब कह रहा है कि हम ये नहीं देंगे, तो हरियाणा ने अपनी तरफ से एग्जीक्यूशन डाली है कि भाई जो आपकी डिग्री है वो आपने अनाउंसमेंट तो कर दी, फैसला तो आपको दे दिया, लेकिन जो वकील हैं वो जानते हैं कि एग्जीक्यूशन भी करना पड़ता है अगर कोई बात अमल नहीं करी जा रही। तो अब वो डायरेक्शन आएंगे जैसे आप चाह रहे हो कि भी केंद्र सरकार या पैरामिलिट्री फोर्सेस या BSF कोई ना कोई ऐसी संस्था हो जो अपना खुद का की सुरक्षा भी कर सके और उसके देख रेख के अंदर ये जो थोड़ी सी 2-4 किलोमीटर की जो SYL की बकाई नहर बननी है वो पूरी कर दी जाए। आज के दिन मसला ये नहीं कि उसके अंदर पानी कितना आएगा, आज के दिन मसला ये है कि नहर कंप्लीट नहर बननी चाहिए, नहर बननी चाहिए। हम जब नहर बन जाएगी तो दोबारा से हम ये सोच सकते हैं कि पानी कम हुआ, अब्बल हुआ, बराबर रहा, हरियाणा का हिस्सा कम होगा, पंजाब का हिस्सा बढ़ेगा, उसके अंदर चर्चा बाद में की जा सकती है। लेकिन आज के दिन नहर ना बने ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गलत है, देश की कानून प्रणाली के ऊपर एक ये धब्बा रह जाएगा अगर नहर नहीं बनेगी तो। चलिए, इस खास पेशकश में बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू राव इंद्रजीत सिंह, और बेबाक बातचीत के लिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हुए। 3 साल मोदी सरकार, 3 साल का सफ़र और इस पड़ाव पर कई बातें उन्होंने खास कही हैं जो कि केंद्र की सियासत में सीधे तौर पर उपलब्धियों को लेकर हैं, तो वहीं हरियाणा की सियासत में वहाँ पर सियासी इशारे करती नज़र आती है, ख़ास तौर से उस विजन को समझाती नज़र आती है जो वो हरियाणा में लागू करना चाहते हैं। इस खास मुलाकात में आज बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। मुझे दीजिए अपनी पूरी टीम के साथ इजाज़त, नमस्कार।